तो दोस्तों अभी हम अब जा रहे हैं हनुमान मंदिर। हमने रोज आप जब भी पिथौरागढ़ से चाहे अल्मोड़ा हल्द्वानी को जाते हो, दिल्ली जाते हो या टनकपुर वाले रोड पे जाते हो, आपको हमेशा एक मंदिर दिखाई देता होगा। आज हम आपको उसका डिटेल्ड दर्शन कराएंगे, पूरा अंदर तक ले जाएंगे कि कैसा बना हुआ है और कैसा दिखता है वो अंदर से। बाकी आपने रास्ते से आते जाते हुए तो उसको हमेशा देखा ही होगा। यहाँ से देख सकते हैं आप एचयूवी से नीचे को ये रास्ता है, और एचयूवी से नीचे जो पेट्रोल पम्प पड़ता है उसके बाद एक मोड़ है आगे, उसके बाद वहाँ से नीचे है वो मंदिर, तो वहीं को ले जा रहे हैं हम आपको भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केवीके की नर्सरी है, ऊपर ध्यान शोध एवं प्रसार केंद्र है एक्चुअली, इसमें फ्रूट्स व्रूट्स के पेड़ लगे होंगे। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, इसका नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और पार जो है वो शनिदेव मंदिर है। धारी धमौड़ गांव का नाम है, ये देख सकते हैं वो पार शनि मंदिर है, और यहाँ पर ये हनुमान मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव। जय बजरंगबली, सबकी रक्षा करना। कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। जब पिथौरागढ़ में हम लोग घूमने निकले थे चंदन भाई और मैं, तो आपको पता ही है पिथौरागढ़ में एक ही जगह रहती है घूमने के लिए, चंडाक। तो चंडाक घूम घूम के हम बहुत ज़्यादा हो गए थे परेशान, तो फिर ऐसा अचानक से प्रोग्राम बन गया कि यार आज नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग आ गए यहाँ ही मंदिर में। यहाँ पे लिखा है देखिए, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, भूतल, धारी धमौड़ है जगह का नाम। और ये रहा मंदिर का गेट। जय बजरंगबली की रक्षा करना। ये हमने मंदिर में जाने से पहले चप्पल उतारने जरूरी हैं, तो हमने उतार दिए हैं। आज पहली बार आ रहा हूँ यहाँ। वैसे तो पिथौरागढ़ से जब हम जाते हैं अल्मोड़ा, टनकपुर या कहीं बाहर दूसरी जगह, तो आपने अक्सर देखा होगा ये मंदिर को। तो आज जब हम यहाँ को आए तो मुझे लगा कि यहाँ एक बार जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान जी हमारे बजरंग बली के दरबार में। जय हो, जय बजरंग बली, सबकी रक्षा करना। ये देखिए, अंदर आने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो मैं बता दूं, जो हमारे बजरंग बली हैं वो हमेशा शांत और खुश मिजाज, एक खुशी के प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं, क्योंकि आपने उनके कभी गुस्से वाली फ़ोटो कमी देखी होगी। वो तो आजकल लोगों ने थोड़ा खुद पेंटिंग करके बना दिए। नहीं तो भगवान के अलग अलग नामों से भी जाना जाता है उनको, जैसे बजरंग बली, पवन सुत, अंजनी पुत्र, इस प्रकार के नाम हैं। अभी वहाँ को भी है कुछ मंदिर, वो सामने शनि मंदिर है, शनि मंदिर है वो बीच में नदी, वो गार्ड ऐसी भी है, उसको आप गार्ड क्रॉस करते हैं हम पार करेंगे। अब आपको वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। चलो अब चलते हैं, थोड़े टाइम के लिए हमने जो रेस्ट करना है, तो ये जगह बढ़िया है। यहाँ काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। अरे शांति से, थोड़ा शांति अगर पसंद है आपको तो आप बेशक यहाँ आ सकते हो। देखिए यहाँ से प्रकृति के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और आज तो मौसम भी सही हो रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। ये क्या चीज़ होंगी यार, ये अब हम जाने लग गए हैं शनि मंदिर को।
ये क्या हो भाई? हिमांशु भाई के लिए एक बोनस ट्रिप है मेरे पास। जब आप मंदिरों की वीडियो बनाने के लिए आते हैं तो आप चप्पल पहन के आया करिए, सैंडल पहन के, क्योंकि आपको बार बार उतारने पड़ते हैं बार बार। वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर मैं चप्पलों में गाड़ी चलाऊंगा तो उसमें चालान कट जाएगा। नहीं कटता है चालान, खाली आप भी, क्योंकि वो MB एक्ट के नियमों के विरुद्ध है और आप जानते हैं कि हम नियमों का पालन करने वालों में से हुए। ये वाला पानी पिलाएंगे आज हिमांशु भाई को। ये है यहाँ शनि मंदिर, हमारे शनिदेव महाराज का। परिसर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये टाइल्स तो काफ़ी अच्छी लगा रखी है। यहाँ पे ध्यान कक्ष है, यहाँ पे ये महादेव का मंदिर है। यहाँ पे है शनि मंदिर आगे है ना, है जय महादेव रक्षा करना प्रभु। ये देख सकते हैं आप गोरा महेश्वर, जो हमारे यहाँ आठू सातू पर्व के टाइम पे बनाए जाते हैं, उनकी प्रतिमा कह सकते हैं आप, घास की बनाई जाती है जो। और ये देख सकते हैं पानी का धारा, इतना ठंडा पानी आ रहा है और इतना बढ़िया पानी आ रहा है, इसमें मज़ा आ गया इसको पी के। आपको थोड़ा आगे तक ले जाते हैं हम। अब ये देखिए आप यहीं रहिए, अब ये देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स के पेड़ भी हैं। अच्छा यहाँ कूड़ादान और शौचालय है इधर को। फिलहाल तो यहाँ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि चल देना चाहिए हमने घर के तरफ को, क्योंकि धूप काफ़ी होने लग गई है। अब शाम को देखेंगे, अगर साथ वाले आए तो फिर देखो क्या होता है। बाकी आज की इस वीडियो को अब मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। चंदन जी कुछ कहना चाहेंगे? बस आज यहाँ भी पहली बार आ रहे होंगे। हाँ, इस मंदिर पर भी पहली बार। आपका काफ़ी मेरी इच्छा थी कि मैं रोज़ जब जाता था यहाँ से तो मैं सोचता था कि कभी मैं इस मंदिर का दर्शन कर पाऊँगा करके, और आज देखिए हमको स्विफ्ट वाला चैनल की बदौलत इस मंदिर का दर्शन करने को मिल गया, हमारे सौभाग्य है ये। चलिए फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक टेक केयर, अपना सभी लोग ख्याल ज़रूर रखिएगा। आने वाले समय में शायद प्रोग्राम बन रहा है कहीं जाने का, देखो क्या होता है। चलिए फिर मिलता हूँ, बाय बाय।